बन तो जाएगा ना खाना। आज मैं आपको पोटैटो पैटीज बनाकर दिखाऊंगी। इन पैटीज को हम सुबह के नाश्ते में बना के खा सकते हैं, शाम के नाश्ते में भी इनको खा सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी होती है। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 उबले हुए आलू लिए हैं, इनको पूरी तरह मैश कर लिया है। 1 टेबल स्पून कसा हुआ नारियल है, 1 टेबल स्पून मूंगफली के दाने इनको रोस्ट करके दरदरा पीस लिया है, 1 टीस्पून हरी मिर्च और अदरक का दरदरा पिसा हुआ पेस्ट है, थोड़ी सी धनिया पत्ती बारीक कटी हुई, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर है और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर है, ये भी रोस्टेड जीरा पाउडर है, 1/2 टीस्पून सेंधा नमक है। सबसे पहले मैं एक बाउल लेके इसमें से आधे आलू दूसरे बाउल में मैं डाल दूंगी। इसमें गए सारे मसाले डाल के इनको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। सारे मसाले मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब मैं अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लूंगी और इसकी छोटी छोटी बॉल बना लूंगी, ज्यादा बड़ी बॉल नहीं बनाना है। सारी बॉल्स बनाकर मैंने तैयार कर ली हैं। अब मैं इसकी बाहर की कवरिंग तैयार कर लेती हूँ। जो आधा आलू मैंने बचाया था उसमें 4 टेबल स्पून अरारोट का पाउडर है वो डाल देती हूँ, 1/2 टी स्पून सेंधा नमक, नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देती हूँ। अब इसको मैं भून कर इसका एक चिकना डो बनाकर तैयार कर लेती हूँ। अगर आलू को मिक्स करते समय ज्यादा नमी लग रही हो तो थोड़ा सा अरारोट का आटा और मिला सकते हैं। आलू को मैंने पूरी तरह से मिक्स करके रख लिया है, थोड़ा सा अरारोट का आटा मैंने और लिया है, थोड़ा सा तेल लिया है, इसको मैं अपने हाथों पर लगा लेती हूँ। स्टफिंग के लिए मैंने 9 बॉल्स बनाए हैं तो इस तरह मैं इसकी 9 लोइयां तोड़कर तैयार कर लेती हूँ। उंगलियों पे तेल लगाते जाएं। सारी लोइयां मैंने तोड़ ली हैं, अब मैं थोड़ा सा तेल और लगा लूंगी और इनको गोल कर लेती हूँ। गोल करने के बाद इस तरह से इसको मैं चपटा कर लूंगी और एक कटोरी का शेप दूंगी इसके अंदर, जब बॉल रख देती हूँ उठा के और इसको अंदर दबाते हुए इसको बंद कर दूंगी। देखिए इस तरह से मैंने इसको बंद कर दिया है। इस गोल को अब मैं अरारोट के आटे पे एक बार और लगाऊंगी, इसको रखते जाएं। सारी बॉल्स बनाकर मैंने तैयार कर ली हैं। अब इनको मैं 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखूंगी जिससे अच्छे से सेट हो जाएंगी। इसके बाद इनको फ्राई करूंगी। पेटीज पूरी तरह सेट हो चुकी हैं, अब इनको मैं फ्राई करूंगी। फ्राई करने के लिए मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब तेल को मैं पूरी तरह गर्म हो जाने दूंगी, एक एक करके इसमें डाल देती हूँ। अब इनको मैं पलट पलट के दोनों साइड से अच्छी क्रिस्पी ब्राउन कर लूंगी। मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और इनको निकाल लूंगी। देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी पोटैटो पेटीज बनके तैयार हुई हैं। आप भी इन पेटीजों को जरूर बनाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।